ब्लू पैरेलल जीन्स और गोल्डन ऑफ शोल्डर टॉप, गोल्डन सैंडल्स और कानों में गोल्डन इयररिंग्स, मिनिमल मेकअप विद न्यूड लिपस्टिक, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। ये लुक था आलिया भट्ट का उनके जन्मदिन की पार्टी का, बेहद खूबसूरत और स्टनिंग। जी हाँ, 14 मार्च को आलिया भट्ट का 31st जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। ये पार्टी घर पर नहीं बल्कि मुंबई के ताज होटल में रखी गई। आलिया भट्ट के लिए ये पार्टी खुद रणबीर कपूर ने दी थी, यानी कि पत्नी के लिए रणबीर ने मिडनाइट सेलिब्रेशन का पूरा इंतजाम किया था। लेकिन इस पार्टी में ज्यादातर सिर्फ परिवार के सदस्य ही शामिल थे, बाहर का कोई था तो वो थी ईशा अंबानी, उनके पति आनंद पीरामल, आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका और कुछ बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स। भाई ईशा को तो आना ही था, दोनों बचपन की दोस्त जो ठहरी। साथ ही आपको बता दें कि आकाश अंबानी और रणबीर कपूर काफी अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में अक्सर आकाश श्लोका रणबीर आलिया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ब्लैक और ब्लू कलर की ड्रेस में ईशा आलिया से किसी भी मामले में कम नहीं लग रही थी। वहीं आलिया भट्ट की सास नीतू कपूर का तो अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने सैटन का पेस्टल शेड फ्लोरल कोऑर्ड सेट पहना हुआ था। जाहिर है जब बहू इतनी हॉट हो तो सास कैसे पीछे रह सकती है। आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान और बहन शाहीन भट्ट भी एक्ट्रेस के 31st बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पहुंची थी। इस दौरान सोनी ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस तो शाहीन ब्लैक आउटफिट में नजर आई। आलिया के बर्थडे सेलिब्रेशन का हिस्सा रोहित धवन भी बने, वो अपनी पत्नी जानवी धवन के साथ पहुंचे। इसके अलावा इसमें सुजैन खान और उनके भाई जायद खान भी शामिल हुए। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन में आलिया और रणबीर की बेटी रहा नजर नहीं आई। डिनर पार्टी के एक वायरल वीडियो में रणबीर कपूर को अपनी साली शाहीन भट्ट और डायरेक्टर रोहित धवन की पत्नी जानवी धवन पर प्यार बरसाते हुए देखा गया। जैसे ही शाहीन अपनी कार की ओर जाने के लिए तैयार हुई, रणबीर कपूर ने उन्हें गले लगाया और उनके माथे पर एक छोटा सा किस किया। यानी ये पूरी पार्टी सिर्फ क्लोज और फैमिली के लिए रखी गई थी, जिसमें रणबीर ने एक अच्छे होस्ट की भूमिका निभाई और जन्मदिन पर अपनी पत्नी को खुश कर दिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।